मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन पुनः से इसको इस प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं किया है वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करें। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और प्रश्न नंबर एक देखते हैं। प्रश्न नंबर एक में पूछा जा रहा है, किसने कहा है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन है शोपेनहावर, दूसरा ऑप्शन है बामगार्टन, तीसरा ऑप्शन है क्रोचे और चौथा ऑप्शन है आई ए रिचर्ड। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोचे। तो क्रोचे महोदय ने कहा था कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध रखते हैं? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अकबर के समय के चित्रकार हैं दशवंत। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, सामाजिक नहीं है, साहित्यिक नहीं है, धार्मिक नहीं है कि अमूर्त नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमूर्त नहीं है। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों के विषय सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेक्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अजंता में। तो फ्रेस्को सेक्को दीवार या छत की सूखी सतह पर चित्रण पद्धति है, इस पद्धति में अजंता में चित्रणकार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, भोपाल में है या नागपुर में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर छः। भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार की थी? भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? चार्ल्स फेवरी ने, चार्ल्स कोरिया ने, सतीश गुजराल ने, कैंदी बेदन जेना ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। तो भारत भवन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी डिजाइन तैयार करने वाले थे चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सात। टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात क्या होती है? 4:3, 3 या 5:3 की 5:7 की? आपका जवाब 4:6 होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4:3। तो टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात जो है वो 4:3 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बी कुंजरमणि कौन है? तबला वादक है, बांसुरी वादक है, सरोद वादक है, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांसुरी वादक है। तो बी कुंजरमणि कौन है? बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौ। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, बीड़ा के लिए या म्यूरल के लिए? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीड़ा के लिए। तो यस बालचंद्रन जो हैं वो बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? भूसा है, गोबर है, बुरादा है या कागज़ की कतरन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कागज़ की कतरन जो है वो कोलाज चित्र का माध्यम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? बताइए चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया हैं, ली कार्बुजिए हैं,
कि फिलिप जॉनसन है या सतीश गुजराल है। चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्वजियर हैं। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या था? डेविड ओलगवी, जेम्स अगस्ट हिक्की, बोलनी बी पालमर या ए डब्ल्यू एयर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स अगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो, आपकी दृष्टि स्तर के नीचे रखा हो। चार ऑप्शन दिया गया, चार है कि दो कि तीन कि एक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीन। अगला प्रश्न है, चौकपूर्णा चित्रण लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो बताइए चौकपूर्णा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का लोक चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल रंग से रंगाई कर सकते हैं? कोरल ड्रा से, एम एस पेंट से, एडोब फोटोशॉप से या इलेस्ट्रेटर से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम रंगाई को डिजिटल ढंग से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है, उड़ीसा का है, मणिपुर का है, छत्तीसगढ़ का है? बताइए बिहू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न है, ट्रम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने, पीबी जानकी रमन ने या पीबी राजीव नयन ने या बलबीर सिंह कट्ट ने? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, डीपी राय चौधरी की ये मूर्ति है, ट्रम्प ऑफ लेबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेल करना है, तो चलिए इनके ग्रंथों को सुमेल कर लेते हैं। नग्नजीत चित्रसूत्र से संबंधित हैं, जयदेव तो जयदेव का गीत गोविंद है, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है और महा बारहमिहिर बृहत संहिता। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत में उत्तर से दक्षिण के सही स्मारकों का सही क्रम क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मारतंड, फिर संघोल, फिर भीमबेटका, फिर जगयापेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बनी में। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? ऋषिपत्तनम में। और महा निष्क्रमण कपिल वस्तु। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए और विकल्प चयन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है? रानी सिपानी का रोजा कहाँ पर है? गुलबर्ग में है, अहमदनगर में है, अहमदाबाद में है या मांडू में है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? कटक में, खजुराहो में, काशी में, महाबलीपुरम में? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 23, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ पर है? मेसोपोटामिया, ग्रीस, ईरान या मिस्र में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। तो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? 1900 से लेकर 1901, 1901 से लेकर 1904, 1904 से 1908 या 1905 से 1910? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1901 से लेकर 1904। अगला प्रश्न है, एडगर डेगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? हैचिंग तकनीक को, ब्लाडिंग या स्टिपलिंग या साइडिंग? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैचिंग तकनीक। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया है? इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक, ऑप्शन ए पॉल वेल, ऑप्शन बी विलियम ब्लेक, ऑप्शन सी कांस्टेबल, ऑप्शन डी पॉल सैंडवाय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉल सैंडवाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। हेनरी मूर प्रभावित थे, ऑप्शन ए माया एजेटिक स्कल्पचर से, ऑप्शन बी स्ट्रिस्केन स्कल्पचर से, अफ्रीकन स्कल्पचर से या भारतीय स्कल्पचर से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माया एजेटिक स्कल्पचर से। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं, थ्री ग्रेसेज पीटर पॉल रूबेंस का है, स्लीपिंग वीनस ये है टीसियन का, ट्रिब्यूट मनी ये है मैसेचियो का, और लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो का। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट, कैसेट मूर या ब्रुक सीलेड? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैरी कैसेट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादियों ने प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार पाल सेंजा, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मोंटे या एडगर डेगास? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल सेजान। तो उत्तर प्रभाववाद में प्रथम चित्रकार जो थे पाल सेजा थे। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म या फाविज्म या फ्यूचर में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फाविज्म। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने चित्रकार बनाए किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? बारदे, क्लाउड, टर्नर या पूंछा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजीन दिलेकरा का, कांस्टेबल का, टर्नर का या तित्तोरेंतो का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यूजीन दिलेकरा का। अगला प्रश्न है, फ्रांच मार्क कौन से वाद से जुड़े थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अव्यंजनावाद। तो अव्यंजनावाद से फ्रांच मार्क जुड़े थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35।
प्रसिद्ध चित्रकार गवर्निका के चित्रकार कौन हैं? ब्राक हैं, पिकासो हैं, राइफल हैं या माइकल एंजेलो हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, राइफल की है, रोंदा की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोंदा की है। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? रोंदा की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? टिंसिया ने, जान वान आइक ने, पीटर पॉल रूबेंस ने या ग्रीको ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जान वान आइक। अगला प्रश्न देखते हैं, नौशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ऑप्शन ए पुनर्जागरण को, ऑप्शन बी बरोक को, ऑप्शन सी ग्रीक शैली को, ऑप्शन डी वाइजेंटाइन को। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीक शैली को। तो नौशास्त्रीयवादी चित्रकला अपनी ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। अगला प्रश्न है, 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभ्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन हैं? जैक्सन पुलाक हैं, कैथ कोलविक्स हैं, एडवर्ड माने हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की, उत्तर प्रभाववाद की? तो मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कला का समय क्या है? दूसरी से 10वीं शताब्दी, तीसरी से 14वीं शताब्दी, चौथी से 15वीं शताब्दी या 5वीं से 16वीं शताब्दी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौथी से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित हैं लक्सर, एथेंस, हड़प्पा या उरुक? तो पार्थेनन मंदिर यूनान के एथेंस में स्थित है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, वेनिस में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राइफल की, बेतिचेली की, लियोनार्डो दा विंची की या माइकल एंजेलो की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राइफल। तो स्कूल ऑफ एथेंस राइफल की रचना है। अगला प्रश्न है, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी की है, वैश्या की है, चित्रकार की पत्नी की है या सामंती औरत की है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैश्या की है। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो विंसी हैं, राफेल हैं, फ्रैंक हॉल्स हैं या गोगा हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या युद्ध कला? तो गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला शैली है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रो का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित के कलाकारों में से किसके संबंधित है? मोने से, कुर्बे से, सेंजा से या जारस्यूरा से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लॉड मोने। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कालक्रमिक अनुक्रम बताइए। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी या घिबर्टी या बेरेसियो? ऑप्शन बी है, लियोनार्डो विंसी, माइकल एंजेलो, वेरेसियो या घिबर्टी, लियोनार्डो विंसी, बेरेसियो, माइकल एंजेलो या ऑप्शन डी, घिबर्टी, बेरेसियो,
लियोनार्डो विंसी या माइकल एंजेलो। तो सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पे सही कालक्रम होगा ऑप्शन डी, पहले घृणपटी, ये 1378 से 1455 का कालक्रम है। फिर बेरेचियो, इनका कालक्रम है 1435 से 1488। फिर लियोनार्डो विंसी का है 1452 से 1519। और इसके बाद माइकल एंजेलो का कालक्रम है 1475 से 1564। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? अल्बर्ट ड्यूरर का, फ्रांसिस के गोया का, रेमबार्ट का या लॉत्रेक का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट ड्यूरर का। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अव्यक्तवादी कौन है? चार विकल्प दिया गया है, तो बताइए सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मैक्स बैकमैन, ओटो डिक्स और लियोनेल पिनिंगर और जॉर्ज ग्रोस, ये सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? प्लेटो ने, प्रोफेसर कालिंगवुड ने, हुसैन ने या कांट ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर कालिंगवुड ने। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। तो रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को है और इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्ट लोलट थे, अभिनव गुप्त थे, भरत थे, आनंद वर्धन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि थे जो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक वाजपेयी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। रेखावली ग्रंथ लिखा है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार, चित्रसूत्र, कामसूत्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, कथई नीला या कथई हरा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कथई और नीले को मिलाकर आप काले रंग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है, स्थूल वस्तु है, रूप का गुण है, रेखांकन का गुण है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ई, प्रकाश का गुण है। तो वर्ण प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? बाह्य रेखा, वृत्त रेखा, घन या वक्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाह्य रेखा। एक आकृति के किनारे को वाह्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पानी के रंग का, तैल के रंग का, एक्रोलिक और जेल रंग का या एक्रेलिक रंग का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानी के रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम क्या है? एफ एम सूजा है, के एस कुलकर्णी है, बिमल दास गुप्ता है, प्राणनाथ मागो हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्राणनाथ मागो हैं। तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मागो हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है, तो इसको हैदराबाद से सुमेलित कर लीजिए। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? ये मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम ये आपका कोलकाता में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। तो इस तरह से सुमेलित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं, ये भी सुमेलित करने का है, चित्रकार और उनके प्रसिद्ध चित्र। तो ए आर चुगताई इनकी प्रसिद्ध चित्र है गुलामी राधिका, ग्लूमी राधिका। रविन्द्रनाथ टैगोर इनका है ब्रूडिंग। अमृता शेरगिल इनका है थ्री वुमेन। और राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रीयन वुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, प्रबोध दास गुप्ता हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविन्द्रनाथ टैगोर। अवेरियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला बनाया है किसने? अविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए कौन है? राम कुमार है, के हैबर है, महबूब फिदा हुसैन है, या एच आरा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मकबूल फिदा हुसैन के चित्रकार पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। अगला प्रश्न है, बी सी सान्याल कौन थे या किसके समकालीन थे? तो बताइए बी सी सान्याल किसके समकालीन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, वैनगोद या सी जैन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? ई वी हैबल, बी एम विल्किंसन, जॉन ग्राफिस, पारसी ब्राउन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ई वी हैबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी है, घनवादी है, कि रंगवादी है, प्रभाववादी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रंगवादी। सैलोज मुखर्जी प्रमुख रंगवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रकार बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ पे? ऑप्शन ए ललित कला अकादमी दिल्ली में, ऑप्शन बी ललित कला संस्थान लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तो बद्रीनाथ का सांवरी नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, संरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रेचर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? नाली माल ने, शिवु नटेशन ने, विवान सुंदरम ने, शीला गौड़ा ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। स्ट्रेचर ऑफ मीनिंग बनाया है विवान सुंदरम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? बताइए, NFO, BFO, UFO या GFO? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, BFO सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए नीलमा शेख, ऑप्शन बी नसरीन मोहम्मदी, ऑप्शन सी मृणाली मुखर्जी, ऑप्शन डी अनुपम शूद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। तो काले और सफ़ेद रंग की ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करते थे नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन है, अंजू डोरिया है, अतुल डोरिया है या MF हुसैन है?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन मुंबई में एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे। अगला प्रश्न है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया। सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल या डेविड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम बी सुतार ने स्टेचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया। अगला प्रश्न है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है। MF हुसैन, राजा रवि वर्मा, FN सूजा या मंजीत बाबा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी। सुबोध गुप्ता, बैजू प्रथम, मीरा मुखर्जी, अल्पना कौर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वुमेन ऑफ रिक्शा किसकी कृति है। तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैबर की या रवीर ककेला की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैयब मेहता की है, वुमेन ऑफ रिक्शा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ई.बी. हैवेल, लॉर्ड निपेयर हैं, और अगला विकल्प है टिली केटल या चार्ल्स डी ओइली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लॉर्ड निपियर। अगला प्रश्न है, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन है। हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल के बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया। प्रगतिशील कलाकार समूह, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र या कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रगतिशील कलाकार समूह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया। गोपाल घोष, जैमिनी राय, शंकु चौधरी, सोमनाथ होर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। के हैबर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या असित कुमार हल्दार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। चिंतामणिकर हैं, भावेश सान्याल हैं, सुनील पाल हैं या माधव भट्टाचार्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सही है, अर्थात चिंतामणिकर, भावेश सान्याल, सुनील पाल, ये सभी लोग चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। माधव भट्टाचार्य ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। अशित कुमार हल्दार की है, यामिनी राय की है, नंदलाल बसु की है या अविंद्रनाथ ठाकुर की है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ ठाकुर की है, औरंगजेब का बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र सष्टंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया। राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न लिखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया।
तैल, टेम्परा, वास या पेस्टल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वास। अगला प्रश्न है, भारत माता को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर या अवीन्द्रनाथ टैगोर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, उनका नाम क्या है? हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर क्राफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब की पहाड़ियों की। तो पहाड़ी चित्रकला शैली पंजाब एवं हिमालय की सुरम पहाड़ियों में प्रचलित कला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक में प्रेरित है? रामायण में, गीत गोविंद में, अय्यर दानिश में, महाभारत में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित है। अगला देखते हैं, जयपुर से अलवर आने वाला भित्त चित्र चित्रण का सिद्ध हस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल थे, डालूराम थे, जगन्नाथ थे, सीताराम थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डालूराम। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम क्या है? मानसिंह, सावंत, संसार सिंह, संसार चंद या हरि सिंह? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर, स्तूप, महल या गुफा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, टेम्परा, जलीय या पेस्टल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? वास्तुकला से, काष्ठमूर्त से, ब्लू पॉटरी से या फोटोग्राफी से? तो बताइए कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ब्लू पॉटरी से। अगला प्रश्न है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी के लिए किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, बूंदी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूंदी शैली से। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा राजस्थानी चित्रकार के बूंदी चित्रण शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या दरबार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जनमानस। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या गढ़वाली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुगल। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 150, 234, 134 या 124? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 134 फीट। अगला प्रश्न है, अमीर हमजा की प्रति 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर हमजा की कुल जो प्रति है 61 पृष्ठ आर्ट है, ये आप म्यूजियम बियाना में संग्रहित है, बियाना में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख सू
फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने, अकारिजा ने, अब्दुल समद ने, बिशनदास ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिशनदास ने। शेख फूल सूफी संत चित्रित किया है बिशनदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु से, संगीत से, पशु से, पशु पक्षी से, या प्रकृति से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋतुओं से संबंधित है बारहमासा के चित्र। अगला प्रश्न है, किस अवध की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? मुगल सल्तनत में, गुप्तकाल में, दिल्ली सल्तनत में, या मौर्य काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुगल सल्तनत। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जे स्वामीनाथन, एम एफ हुसैन, के सी पनकरण, या ज्योति भट्ट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106, किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंगुला राग चित्रित किया गया है? मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर, या डेक्कन? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? उस्ताद फकीर उल्ला खां, निहाल चंद, मंसूर, या विचित्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस्ताद फकीर उल्ला खां। अगला प्रश्न है, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई है? पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, या किसी भी शैली में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन शैली में। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, या उत्तर पूर्व? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्वी। तो भारत लघु चित्र कला का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ। अगला प्रश्न है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, या लक्ष्मी मंदिर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंतलवासर गुफा किस धर्म का मंदिर है? हिंदू, बौद्ध, जैन, या वैष्णव? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी में, सिंतलवासर में, एलोरा में, या बाग में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बाग गुफा में। तो बाग गुफा में अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? मौर्य, वाकाटक, पल्लव, या सुंग? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाकाटक। तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना वाकाटक के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की? जॉन स्मिथ ने, की दयाराम साहनी ने, विलियम एरिक्सन ने, या अलेक्जेंडर कनिंघम ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर जॉन स्मिथ। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज करने वाले थे जॉन स्मिथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधि सत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26, या गुफा संख्या 1? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डी, गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है तो बताइए, मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जो है वो जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, रावण का कैलासोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, या बादामी गुफा में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एलोरा गुफा में।
अगला प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या लिंगराज मंदिर? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? भरत स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ सिंह शीर्ष या सारनाथ उत्तर प्रदेश का अशोक स्तंभ सिंह शीर्ष? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य है? अनार, आम, बरगद, केले? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरगद। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत स्तूप की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर या पंचमढ़ी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आदमगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, स्टेला कैम्ब्रिज को, के एन दीक्षित को? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरतमुन या बेडरले? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतमुन। तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने वाले थे आचार्य भरतमुनि। तो आज का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।